नहीं तो अभी तक स्थगित की जाती है। संसद भवन में घुसकर लोकसभा में स्मोक कलर अटैक करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। जांच पड़ताल के बीच मामले में गिरफ्तार एक आरोपी महेश कुमावत को शनिवार 23 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उसकी 7 दिनों की पुलिस हिरासत शनिवार को खत्म हुई थी, जिसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी हुई। सुनवाई के दौरान उसके लिए कोई वकील खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने लीगल सेल से महेश के लिए वकील उपलब्ध करवाने को कहा है। जब महेश कुमावत को कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने देखा कि उसके लिए कोई वकील खड़ा नहीं है। इस पर जज ने महेश से पूछा, क्या आपके साथ कोई वकील है? इसके जवाब में महेश ने कहा, नहीं, कोई वकील नहीं है। इसके बाद न्यायाधीश ने तुरंत लीगल सेल से वकील बुलाने को कहा है। दरअसल राजस्थान के रहने वाले महेश पर आरोप है कि उसने संसद सुरक्षा में सेंध लगाने में शामिल आरोपियों को ठिकाने उपलब्ध करवाए थे, उन्हें छिपने के लिए जगह भी दी थी, यहां तक कि संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करने वाले आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर जब ललित झा भागा था तब उसे भी राजस्थान में महेश ने ही छिपाया था। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर हंगामा करने के मामले में महेश के अलावा 5 अन्य लोग गिरफ्तारी के बाद हिरासत में हैं। इनमें से मैसूर का रहने वाला मनोरंजन डी, लखनऊ का सागर शर्मा, हरियाणा की नीलम आजाद, महाराष्ट्र के लातूर का अमोल शिंदे और बिहार के दरभंगा का रहने वाला ललित झा शामिल है। गौरतलब है कि इन लोगों ने 13 दिसंबर को संसद भवन में घुसकर हंगामा खड़ा किया था। ये लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए थे और इसके बाद पीला धुआं छोड़ दिया था, जिससे सदन में अफरा तफरी मच गई थी। बाद में सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें काबू में किया था। आरोपी ललित झा ने संसद के बाहर अमोल और नीलम के विरोध प्रदर्शन का वीडियो बनाने के बाद इसे कई लोगों के साथ शेयर भी किया और लोगों को इसे प्रसारित करने के लिए कहा था।